नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया का विशेष कार्यक्रम धर्मचक्र। दर्शकों, आज हम आपको काल भैरव अष्टमी के बारे में बताएंगे। दर्शकों, काल भैरव अष्टमी हम सभी कार्तिक मास के 15 दिन बाद मनाते हैं। इस वर्ष काल भैरव अष्टमी 16 नवंबर को है। दर्शकों, आपको बता दें कि इस दिन को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन को भगवान शिव का विरोधी अवतार लेने का दिन माना जाता है। इस दिन को हम सभी काल भैरव अष्टमी के रूप में मनाते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि काल भैरव की सवारी कुत्ता मानी जाती है। दर्शकों, बाड़ित कथा के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव गंभीर रूप से बातें कर रहे थे। उनकी बातों के दौरान ब्रह्मा विष्णु और शिव जी में बहस शुरू होने लगी कि तीनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस बहस के दौरान शिव जी ने अपने माथे से काल भैरव को प्रकट किया और काल भैरव को आदेश दिया कि ब्रह्मा जी का पांचवा मुख काट दिया जाए। इस आदेश का पालन करने के लिए ब्रह्मा जी का पांचवा मुख काट दिया गया। तब से ब्रह्मा जी को चौमुख वाले देवता के नाम से जाना जाता है। शिव जी का ये आदेश मानने की वजह से काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्त होने के लिए काल भैरव को एक कपाली का व्रत करना पड़ा। इस व्रत में भिखारी की खोपड़ी की आवश्यकता थी, जिसके कारण काल भैरव का यह पाप मुक्त किया गया। तब से लेकर आज तक हर वर्ष काल भैरव अष्टमी मनाई जाती है। काल भैरव अष्टमी की काल भैरव की आराधना करने के लिए ओम भैरवाय नमः का जाप करना चाहिए। टीवी 30 इंडिया अब उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। धर्म और आध्यात्म से जुड़ी खबरों के लिए डाउनलोड करें टीवी 30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप एवं जुड़े रहें टीवी 30 इंडिया के साथ।